हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग व्लॉग्स विद त्रिवेणिका। और आज मैं बहुत दिनों बाद ये पेंटिंग बना रही हूँ। एक्चुअली बीच में मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मोबाइल ख़राब होने की वजह से मेरी एक बनी बनाई पेंटिंग जो है ख़राब हो गई थी। तो आज फिर से मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ। और आज मैं यूज़ करूँगी ये लग्जर का परमानेंट CD OHP DVD मार्कर। और मैं जिस पेज पर बना रही हूँ ये नॉर्मल ड्राइंग फाइल है, कोई स्पेशल ऐसा कोई पेपर नहीं है। क्योंकि आज ये एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि उन्होंने उनको फेस बनाना सीखना है मधुबनी, तो आज मैं वो आपको दिखाऊंगी कि मधुबनी फेस हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बॉर्डर बना लेंगे और फिर इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो इसको कैनवास पे भी बना सकते हैं और आप इसको ड्राइंग शीट पर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में पेंटिंग इसको पेंटिंग बनाने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको जो है कार्ट्रेज शीट पर बनाइएगा, क्योंकि वो थोड़ी मोटी होती है और इजीली उसमें हम कलर करते हैं, तो कलर करने के बाद जो है वो अच्छा लगता है। तो अभी आप देख रहे हैं मैं स्केच कलर की हेल्प से एक बॉर्डर बना रही हूँ। तो ये सिर्फ़ एक डेमो है और ये मतलब ये जो मेरी फ़ाइल है इसमें मैं सिर्फ जो मुझे सिखाना होता है या बताना होता है वो मैं ड्रॉ करती हूँ। बाकी पेंटिंग्स इसको इस पर मैं नहीं बनाती हूँ। पेंटिंग्स के लिए मैं अलग शीट यूज़ करती हूँ। ये सिर्फ मैं जैसे कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ क्वेरी रहती है उसको इस पर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये बॉर्डर बना लिया स्केच से मोटा मोटा। और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हम फेस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर, अभी मैंने मोटे वाले स्केच से बॉर्डर कंप्लीट किया है और अब मैं ये मेरे पास जो मार्कर है परमानेंट मार्कर है पॉइंटेड वाला, इससे मैं पतली लाइन ड्रॉ करके इस बॉर्डर को और फिनिशिंग दे दूँगी। तो अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगती है और आप मुझे इसको कलर में भी देखना चाहते हैं कि इसकी कलरिंग हमें कैसी करनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने इसकी कलरिंग नहीं की है क्योंकि अभी मैंने इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ इसको ड्रॉ करना ही बता रही हूँ। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं इसकी कलरिंग भी आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊँगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। और आप अगर आपको प्लीज़ थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में जब आप मुझे बताते हैं या कुछ सजेशंस देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एटलीस्ट आप मतलब कुछ भी बताते हैं तो मुझे ये होता है कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने देखा और जो कमी थी वो मुझसे शेयर किया। सो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फेस बनाना, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फेस और जो भी हम इमेज बना रहे हैं वो हमें कितनी बड़ी बनानी है। तो अभी मुझे यहाँ पर जो मैं बनाऊँगी वो हाफ़ लेडी का मतलब इमेज बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने हाफ़ पेज से यहाँ से डॉट लगा के और इस तरीके से स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करके मैंने इसकी नोज़ बनाई है। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो मधुबनी में जो लिप्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन थोड़े से मोटे दिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका हेड बना देंगे। हेड में हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इस तरीके से हमें डबल लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद कुछ डिज़ाइन है जिससे हम पूरा जो भी पोर्शन होता है उसको कवर कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने हेयर्स बनाए और अब मैं इसकी डबल आउटलाइन कर रही हूँ। ये बहुत ईजी है, एक बार आप बनाना सीख जाएंगे तो आप कोई भी, इसी से आप लेडी भी बना सकते हैं, इसी से आप जेंट्स भी बना सकते हैं। बस जेंट्स के हेयर थोड़े छोटे हो जाते हैं, जैसे कृष्णा है, राम, प्रभु राम है, ये अगर आप बनाएंगे तो इनके हेयर्स छोटे हो जाएंगे। प्रभु राम का सर पे जो है ऊपर जो बाल उनके बंधे हुए होते हैं वो आ जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम के हाथ में हमने बांसुरी पकड़ा दी, तो वो बेसिक नॉलेज थोड़ा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रहेगा तो हम ये बेसिक फेस ड्राइंग है मधुबनी का, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप कोई भी लेडी जेंट्स कोई भी मधुबनी पेंटिंग इजीली बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हेयर्स के बाद मैंने इस तरीके से ये हाफ फ्लावर्स बनाकर और ड्राइंग जो डिज़ाइन है उसको कंप्लीट किया है। फेस को, फेस का लुक जो है इससे कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जो मधुबनी ड्राइंग होती है, मधुबनी के जो हम ह्यूमन्स के जो ये फेस बनाते हैं या जो भी बनाते हैं उसमें आइज़ हमें बड़ी रखनी, क्योंकि मेन अट्रैक्शन जो मधुबनी का है वो आइज़ पर है।
तो अभी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर स्पेस खाली था उसको मैंने उसके झुमके से कवर कर दिया है, तो ये मतलब कहीं से भी आपको ऑड नहीं लगेगा। और जब आप इसको कलर करेंगे तो ये बहुत सुंदर निकल कर आता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, हम ये मैंने इसको ये बना दिया है और यहाँ पे मैंने इसको ब्लाउज बना दिया है इसका। तो और आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसे करना है। तो अब हमारी जो ये लेडी है ये रेडी हो गई है, लेकिन अभी हमें इसमें जो मेन वर्क है, जो मेरी मधुबनी पेंटिंग का जो मेन काम है, हमें वो करना है। वो काम क्या है कि अब हमें इसमें फाइन लाइंस और जो महीन डिज़ाइन, बारीक डिज़ाइन जो है वो डालना है। तो अभी मैं ये उनका ऊपर जो है आँचल डाल रही हूँ सर पे, और आँचल पे डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी है, आप आराम से बना सकते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप बिगिनर भी हैं मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए, तो आप डेफिनेटली फर्स्ट टेक में ही बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग जो है उसमें सिर्फ आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है, और उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं चाहिए कि आपको शोल्डर ऐसा रखना है या हैंड। आपके अंदर से जो भी क्रिएटिविटी आती है, आप उसको एक बार उस पर बनाकर ज़रूर देखिएगा। कभी अपने जो आपकी जो हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, कभी हमें उसको कहते हैं ना बांध कर नहीं रखना चाहिए, हमें इसे स्वतंत्र रखना चाहिए, उससे वो और भी उम्दा रूप से बाहर आती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये इस तरीके से ब्लाउज़ बना दिया। ये पिक्चर मैंने रैंडमली बनाई है, कहीं से देखी नहीं है, बस हाँ एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि उन्हें मधुबनी फेस बनाना सीखना था, तो इसलिए मैंने मधुबनी फेस को थोड़ा सा और बनाकर इधर उधर डिज़ाइन देकर उसको एक पेंटिंग का रूप दे दिया है। तो अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे, आप मतलब रिक्वेस्ट अगर आप मुझसे करेंगे, तो मैं इसका आपको कलरिंग भी डेफिनेटली बताऊँगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और स्लोली स्लोली छोटा छोटा लाइंस का डिज़ाइन है। कोई ऐसा टिपिकल या रॉकेट साइंस वाला डिज़ाइन नहीं है, बहुत इजी है, आप आराम से इसको बनाइएगा और ये डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। तो अभी आप देख रहे हैं मैं बहुत महीन जो बारीक काम है वो यहाँ पर कर रही हूँ। तो डबल आउटलाइन ध्यान रखिएगा, हमेशा डबल आउटलाइन हमें बनानी ही बनानी है, क्योंकि डबल आउटलाइन के बिना मधुबनी पेंटिंग अच्छी नहीं लगती है। इससे पहले मैंने एक राधा कृष्णा वाली पेंटिंग भी बनाई थी, उसमें मैंने पूरा बैकग्राउंड जो है मधुबनी के महीन डिज़ाइन से, बारीक डिज़ाइन से फिल किया था, और जो मैंने कृष्ण और राधा के पास से जो आउटलाइन की थी, वो जब बाद में फाइनल लुक जब आया मेरी पेंटिंग का, वो एकदम 3D इफेक्ट दे रहा था। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं ऊपर आई बटन पे आप दबाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने ये इतना फिनिश कर लिया है। अब ये हेयर का पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फ्लावर बना के इसको कंप्लीट कर दिया है। मतलब किसी भी तरीके से हमें डिज़ाइन कंप्लीट करना है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करेंगे। और ये दुपट्टे पे मैंने डिज़ाइन जो है आँचल पे थोड़ा सा दे दिया है, जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंट लुक लगे और एक ट्रेडिशनल जो लुक है वो निकल कर आए इस पेंटिंग का। तो आइए देखते हैं और आगे किस तरीके से हमें करना है।
सो अभी मैंने ये ट्री ड्रॉ कर लिया है, और ये जो आप देख रहे हैं अभी हमने ये पूरा ट्री और ये सब ड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं इसकी भी आउटलाइन कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं अब इसके पीछे जो बैकग्राउंड डालने वाली हूँ वो पूरा कंप्लीट फिल्ड बैकग्राउंड में यहाँ डालूंगी। तो मुझ अगर मैं इनको आउटलाइन नहीं करूँगी तो ये सारी इमेजेस उसके अंदर छुप जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर डिज़ाइन अलग से उभर के नज़र आए, तो इसलिए मैं इसको आउटलाइन कर दूँगी। और आउटलाइन करने के बाद जब मैं बैकग्राउंड इसको फिल करूँगी तो ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से मैं करके और किस तरीके से बैकग्राउंड की शुरुआत करूँ। सो ये मधुबनी का बेसिक सा बैकग्राउंड है, और ये मोस्टली आपको मधुबनी पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा। मैंने 3 लाइन से मैं सेमी सर्कल बना रही हूँ, 3 लाइन्स का सेमी सर्कल। तो इस तरीके से आप इसको बना के पूरा फिल करते हैं, और अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी पूरा फिल करने के बाद कि ये कैसा लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरा बैकग्राउंड फिल करने के बाद ये कैसा लग रहा है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, और जब इसमें कलर होगा तो ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका कलरिंग पोर्शन भी देखना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका कलरिंग वीडियो भी बनाऊँगी और ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। और भी आपको कोई भी क्वेरी है मधुबनी पेंटिंग को लेकर तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जितना मुझसे मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आपकी क्वेरी हो उनको सॉल्व करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।